Hello friends, myself Shantivich. Welcome back to our channel BBL Study. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्लिप क्रीप एंड क्राउनिंग. ये जो टर्म्स है हमारी यूज होती है बेल्ट ड्राइव में. अब बेल्ट ड्राइव यूज होती है पावर ट्रांसमिट करने के लिए जब हमारे पास दो ऐसी शाफ्ट हैं जिनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है. ज्यादा डिस्टेंस पर हमने जो पावर ट्रांसमिट करनी है तब हम बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं. तो जो बेल्ट ड्राइव में ये तीन जो टर्म्स है ये बहुत यूज होती हैं. फर्स्ट वन इज स्लिप, सेकंड इज क्रीप, थर्ड वन इज क्राउनिंग. अब सबसे पहले बताऊंगा मैं स्लिप के बारे में. अभी आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है बेल्ट ड्राइव का. ये जो है हमारी ड्राइवर पुली, ये जो है हमारी ड्रिवन पुली. ड्राइवर पुली हम उसे बोलते हैं जिसको हम पावर दे रहे हैं, जो हमारे पावर सोर्स के साथ कनेक्ट है, वो होती है हमारी ड्राइवर पुली. जो ड्रिवन पुली है वो हमारे पावर सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं होती. वो ड्राइवर पुली जब रोटेट करती है उसके रोटेट होने से उसकी हेल्प से ये जो हमारी ड्रिवन पुली है वो रोटेट करती है. अब समझ लो ये जो दोनों पुलीज है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है. अब सबसे पहले क्या आता है स्लिप. अब जो हमारा बेल्ट का मटीरियल है कई बार क्या होता है जब बेल्ट पुली के ऊपर मूव कर रही है तो उनके बीच में जो टेंशन है फ्रिक्शनल ग्रिप है जो ग्रिप पकड़ है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है. ग्रिप कम होने के कारण फ्रिक्शन कम होने के कारण या फिर हम बोल सकते हैं टेंशन कम होने के कारण क्या होता है जो हमारी ड्राइवर पुली है वो रोटेट करती है. बट जो हमारी ड्रिवन पुली है ड्राइवर पुली बिना ड्रिवन पुली को अपने साथ रोटेट करने के साथ क्या करती है मूव करती रहती है. मींस टू से ड्राइवर पुली को हमने पावर दी वो रोटेट कर दिया. जब टेंशन कम हो रही या फ्रिक्शनल ग्रिप कम हो रही तो ड्रिवन पुली को वो अपने साथ रोटेट नहीं कर पाती क्योंकि उसमें क्या टेंशन कम है. बेल्ट मूव कर रही है बेल्ट बिना ड्रिवन पुली को रोटेट किए मूव कर रही है. ड्रिवन पुली प्रॉपरली रोटेट नहीं कर रही उसके कारण क्या होता है कई बार जो बेल्ट है वो हमारी पुली से नीचे भी उतर जाती है. इसके कारण क्या होता है जो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है. ये जो रिलेटिव मोशन आ रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड क्योंकि ग्रिप कम हो रही टेंशन कम हो रही ये रोटेट कर रही है. ड्रिवन पुली ड्राइवर पुली ड्रिवन पुली के साथ रोटेट नहीं कर रही. बेल्ट भी कई बार क्या टेंशन कम होने के कारण ड्रिवन पुली को रोटेट नहीं कर पाती जिसके कारण क्या होता है इनके बीच में रिलेटिव मोशन होता है. इस चीज को हम क्या बोलते हैं स्लिप. उसमें क्या है उसमें नुकसान क्या है हमारी जो पावर है वो प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होती. जो सेकंड हमारे पास आता है दैट इज क्रीप. अब क्रीप में क्या होता है अब ये हमारी ड्राइवर पुली है. एक कंसेप्ट है टाइट साइड एंड सेकेंड इज स्लैक साइड. अब टाइट साइड कौन सी होती है स्लैक साइड कौन सी होती है. जब हमारी ड्राइवर पुली जस्ट रोटेट करना स्टार्ट करती है अब ये हमारी ड्राइवर पुली है सबसे पहले क्या है इसने रोटेट करना है उसके बाद ड्रिवन पुली ने रोटेट करना है. जब ड्राइवर पुली जस्ट रोटेट करना स्टार्ट करती है तो बेल्ट का जो पोर्शन सबसे पहले ड्राइवर पुली के कॉन्टेक्ट में आता है दैट इज टाइट साइड. अब इसने जस्ट रोटेट करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन इसके कॉन्टेक्ट में आएगा इसको हम बोलते हैं टाइट साइड क्योंकि इसमें टेंशन सबसे ज्यादा होती है. बिकॉज ड्राइवर पुली ने जैसे रोटेट करना है इसने सबसे पहले कॉन्टेक्ट में आना इस पर जोर ज्यादा लगेगा फोर्स ज्यादा लगेगी इसको हम क्या बोलेंगे टाइट साइड. जब टाइट साइड पूरी रोटेट होकर
ड्राइवर पुली की तरफ जाती है, इसमें क्या होता है टेंशन कम हो जाती है, तो इस पुली को हम क्या बोलते हैं, सॉरी बेल्ट को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्शन। अब हम क्रीप की बात करें, क्रीप क्या होता है, जब ड्राइवर पुली ने जस्ट रोटेट करना स्टार्ट किया तो हमारी जो बेल्ट है बेल्ट की लेंथ में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि जो हमारी टाइट साइड है उसमें टेंशन ज्यादा होती है, उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगती है, टेंसाइल फोर्स ज्यादा लगती है हम बोल सकते हैं। तो टेंसाइल फोर्स लगने के कारण उसकी जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। जब वो टाइट साइड दोबारा ड्राइवर पुली से रोटेट होकर स्लैब साइड की तरफ आती है तो वो जो बेल्ट है वो पहले वाली लेंथ में वापिस आ जाती है, बिकॉज उस टाइम में जो टेंशन है बेल्ट पर कम हो जाती है। अब जब ड्राइवर पुली ने रोटेट करना स्टार्ट किया, फोर्स इस पर ज्यादा लगी, ये टाइट साइड है इसकी जो लेंथ है इंक्रीज होगी, जब बेल्ट रोटेट होकर स्लैब साइड बनी फोर्स कम है, बेल्ट जो है वो पहले वाली डिमेंशन में पहले वाली लेंथ पहले उसकी वापस आ गई। इसके कारण क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी रेशियो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रीप। जो लास्ट है, लास्ट वन इज क्राउनिंग। क्राउनिंग में क्या होता है, मोस्टली जो क्राउनिंग है वो जो स्लिप होती है उसको खत्म करने के लिए होती है। हम अपनी पूरी को क्या करते हैं, हमारी जो पुली है उसको हम थोड़ा सा कन्वेक्स शेप प्रोवाइड कर देते हैं। कन्वेक्स शेप प्रोवाइड करने से क्या होता है, एक तो उसकी फ्रिक्शन जो ग्रिप है वो मजबूत हो जाती है, ग्रिप बन जाती है। ग्रिप बनने से क्या होता है, जो स्लिप है, अब ग्रिप बनी हुई है उसमें टेंशन भी रहेगी ग्रिप होने के कारण, बिकॉज इसको हमने क्या किया, हमने अपनी पुली को कन्वेक्स शेप प्रोवाइड कर दी। कन्वेक्स शेप से क्या होता है, वो जो बेल्ट है वो अपनी पोजिशन पर ही रोटेट करती है, अपनी पोजीशन से बाहर नहीं जा पाती, अपनी पोजीशन पर रोटेट कर रही है। उसके कारण क्या है, एक तो पुली के साथ ग्रिप बनी रहती है, फ्रिक्शन पूरा होता है, ग्रिप बनी रहती है। ग्रिप बने होने के कारण क्या होता है, जो स्लिप है वो बेल्ट में नहीं आती, जैसे जैसे ड्राइवर पुली रोटेट कर रही है ड्रिवर पुली भी रोटेट करती रहती है। तो इस तरह जब हम शेप प्रोवाइड कर देते हैं अपनी पुली को कन्वेक्स, उसको जो इंटीरियर व्यू इस तरह का हम दे देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग। मोस्टली जो क्राउनिंग हम करते हैं स्लिप को खत्म करने के लिए यूज करते हैं। तो ये थी हमारी कंसेप्ट जो यूज होते हैं बेल्ट ड्राइव में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बट अभी भी आपको अगर स्लिप क्रीप क्राउनिंग तीनों में कोई भी आपको डाउट है, कोई भी चीज डिटेल में पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।